ये कपकेक को देखिए, कितने ज़्यादा सॉफ्ट। इन्हें देख के कोई कह सकता है कि ये महंगे वाले ओवन में नहीं बल्कि घर की साधारण सी कढ़ाई और कटोरे में बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए इसका अंदर का टेक्सचर, बिल्कुल है ना बाजार की तरह रुई जैसे सॉफ्ट। और बस देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी ये कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। आज मैं आपके साथ कपकेक बनाने की इतनी ज़्यादा आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे देखने के बाद कोई भी इसे घर पे बिल्कुल आसानी से बना सकता है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवन को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने ले ली है, इसे गैस पे चढ़ा देंगे और इस तरीके का कोई भी एक स्टैंड हम इसमें रख देंगे। अब इस स्टैंड के ऊपर इस तरीके की कोई भी एक प्लेट आप इसमें रख ले जो आपकी कढ़ाई में अच्छे से फिट होती हो। अब इसे एक ढक्कन से ढक देंगे और धीमी आँच पे इसे गर्म होने देंगे। जब तक हमारा ओवन रेडी होता है तब तक हम ये बैटर बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक अंडा मैंने यहाँ तोड़ के लिया है और एक चम्मच की मदद से इसे फेंट लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें नहीं फेंटना है, बस नॉर्मल ऑमलेट बनाने में हम जितना अंडा को फेंट लेते हैं बस उतना इसे फेंट लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पे एक छोटी कटोरी से आधी कटोरी ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ऑयल और अंडा दोनों ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पे उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है और इसे मिक्सर में पीस लिया है। तो मिक्सर में पिसी हुई चीनी को हम हल्का सा छान लेंगे ताकि उसमें जो दरदरे दाने हैं चीनी के वो इसमें ना जाए। ये देखिए इसे अलग कर देंगे और इसे एक चम्मच की मदद से फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, जितना तक कि चीनी इसमें अच्छे से घुल मिल जाए उतना तक इसे फेंट लेना है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। देख सकते हैं कि नॉर्मल चम्मच से एक पाव चम्मच मैंने ये वेनिला एसेंस लिया है, आप देख सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसमें आप इलायची पाउडर डाल दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे उसी चम्मच के हिसाब से एक चम्मच दूध, और कटोरी से अगर देखा जाए तो पाव कटोरी दूध हमने इसमें ऐड किया है और इसे भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले एक छन्नी ले लेंगे, उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये भी मैंने पाव चम्मच ली है। उसके बाद डालेंगे वन पिंच सॉल्ट और एक कटोरी मैदा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम छान लेंगे। इसे छानना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हमारे केक का जो टेक्सचर है इससे बिल्कुल बढ़िया आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक साथ पूरा मैदा हमें नहीं मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर में मैदा ऐड करेंगे। पहले तो हमने एक कटोरी मैदा ऐड कर लिया है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हमें बना लेना है। ये देखिए ये मिश्रण थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसमें और से आधा कटोरी मैदा हम डाल देंगे। ये छान के रखा हुआ मैदा हम इसमें डाल लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अगर मान लीजिए मैदा डालते वक्त आपने इसमें ज़्यादा मैदा डाल दिया है और आपका बैटर जो है थोड़ा सा थिक बन चुका है तो उसमें और से एक से दो टेबलस्पून मिल्क आप इसमें ऐड कर ले, और हमें जैसे कंसिस्टेंसी में ये बैटर चाहिए उस तरीके से उसे एडजस्ट कर ले। ये देखिए इस तरीके का बैटर हमें चाहिए, तो मैदा और दूध ये दोनों के साथ आप बैटर को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कपकेक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अभी इसे बनाने के लिए इस तरीके की कोई भी एक कटोरी घर से आप ले लें। यहाँ पे मैं चार कटोरी लूँगी एक अंडे के साथ। चार कपकेक हम बनाएंगे तो इसमें हल्का सा ऑयल डाल देंगे और हाथों से ग्रीस करते हुए कटोरी में अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे कटोरी रेडी कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एक पिंच मैदा। अब इन सारी कटोरी को मैदे के साथ हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे। मैदे की कोटिंग से क्या होगा कि जो हमारा केक है वो रेडी होने के बाद बिल्कुल आसानी से निकल के आएगा। ये देखिए ये स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे आप ज़रूर से करें और ऐसे करने के बाद आप देख पाएंगे कि केक हमारा कितना अच्छे तरीके से बाहर आता है। ये देखिए इस तरीके से सारी कटोरी रेडी हो चुकी है। अब जो हमने केक का बैटर बनाया था वो एक एक करके सारी कटोरी में हम भर देंगे। इस तरीके से सारी कटोरी हमारे बैटर से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है कुछ कतरे हुए पिस्ते। आप चाहो तो अपने पसंदी का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो।
ये देखिए इस तरीके से। अब ये कटोरी हमारे ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के बाद ओवन भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो बड़ी सावधानी से ये सारी कटोरी हम इसमें रख देंगे और इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये केक हमारे बिल्कुल बढ़िया पक के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर आ चुका है इसका और बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुके हैं। ये देखिए इस कटोरे में थोड़ा सा ज़्यादा बैटर पड़ गया था, इसकी वजह से बैटर बाहर भी आ चुका है। तो आप ध्यान दें कि कटोरी 80% तक ही आप भरे ताकि आपका जो बैटर है केक बनने के बाद फूल के बाहर ना आए। तो ये देखिए एक एक करके सारे केक हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना आसानी से केक निकल के बाहर आ रहा है। जो हमने डस्टिंग करी हुई थी इसकी वजह से ना तो हमें इसे लूज करने की ज़रूरत है ना ही कोई और चीज़। ये देखिए हल्के से ठंडे होने के बाद ये केक बिल्कुल आसानी से निकल आते हैं। और जिस कटोरी में आप केक बनाते हो वो कटोरी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए केक हमारा बिल्कुल परफेक्टली बेक होके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप इसका आ चुका है। आप अपनी पसंद की कोई भी घर की कटोरी यूज़ करके अपनी पसंद का शेप इसे दे सकते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ कितने ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बाज़ार में मिलते हैं वैसे ही रुई की तरह सॉफ्ट हमारे कपकेक बन चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन चुके हैं। ये देखिए देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये देखिए तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से बिना मेहनत किए घर पे केक बना सकते हैं। तो फटाफट आप भी इस केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर ये केक की रेसिपी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपीज़ और कोई भी रेसिपी को इजी तरीके से बनाने के नए नए तरीके जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और एक अंडे के साथ बने हुए ये कपकेक घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें।